Today we will start exercise 24B. From question number 6 from of chapter Measure of Central Tendency from Salina Concise for class 10th. Question number 6, using step deviation method to find the mean marks of the following distribution. So Neha, you have to solve this sum. Class interval 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, last 85 to 90. Yes, Neha, what we can find here, first of all? Sir, Fi. Xi. Full form of Xi is? Class. Marks. Yeah. Lower limit plus upper limit upon 2. 105 upon 2. 52.5. Now, there is a gap of 5 between them. Then add 5 in this one. 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, and last one is 87.5. Here, which term I have to take as A? कौन सी टर्म को लूं बेटा मैं ए नेहा सर फोर्थ टर्म फोर्थ और फिफ्थ दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं चलो yeah. आपने फोर्थ बोला है तो फोर्थ ले लिया okay. अब स्टेप डेविएशन था तो यूआई फॉर्मूला ऑफ यूआई इज एक्सआई माइनस ए अपॉन एच एक्सआई माइनस ए अपॉन एच या No, then first term will what we get? 52.5 minus 67.5 by yes divided by class size is 5. This minus this we get minus 15 upon 5 minus 3. Minus 3. This minus this minus 10 upon 5, minus 2. Minus 2. Minus 1, 0. 1, 2, 3, 4. Yeah. And 4. Now, Fi. Frequency is given. I have to write down 5, 20, 10, 10, 9, 6, 12, 8. Now, can you find Fi UI? Yes, sir. What we get? Actually, it will be minus 15, then yes. Minus 40, then minus 10, 0, 9, then 12, 36, then 32. Yeah, the sum of these three terms. 5, 4, 5, 6, minus 65. The sum of these, 9 to 11, 7, 6, 7, 19. 1 carry, 2, 3, 5, 3, 8. 9 minus 5, 4. 8 minus 6, 2, 24. And sum of Fi is 5, 9, 14, 6, 20, 20 and 10, 30. 3 to 5, 6, 7, 8. 8 is zero. Now formula for step deviation method, mean is? A plus sigma yes. Fi ui into h upon sigma Fi. Yes. Value of A is? 67.5. Plus? 24 by then 80 into 5. Yes, class size is 5. Here, cut on the table of 8. 5 twos are. What we get? 67.5
plus 3 upon 2. We get 67.5 plus 1.5. 68.69 is the answer. Okay? Okay, sir. Sir? Haan ji? थोड़ा सा ऊपर सिर्फ अप हाँ बोलिए बेटा कोई डाउट है डाउट है बेटा कोई नो सर ओके दिस आर सिक्स सम अब सेवन सम बेटा तुम अपने आप करोगे मैं नहीं करवाऊंगा ओके सर इसके अंदर ग्राफ दिया हुआ है मैंने ये टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी यहाँ 15 टू 20 25 टू 35 35 टू 45 45 टू 55 55 टू 65 दिस इज फर्स्ट वैल्यू इज फ्रीक्वेंसी मैंने एक्स आई पहले फाइंड कर दिया एफ आई 10 फिर सेकंड वन इज 20 थर्ड वन इज 25 फोर्थ वन इज 15 एंड फिफ्थ वन इज 5 एक्स आई क्लास मार्क्स कैलकुलेट द मीन अब यहाँ अकेला मीन लिखा है अब आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है डायरेक्ट मेथड करना है स्टेप डेविएशन करना है या शॉर्टकट मेथड करना है सर हाँ जी फर्स्ट क्लास मार्क 20 नहीं है सर 15 प्लस 25 40 डिवाइडेड बाय 220 वहां पे 20 नहीं आएगा क्यों 20 आएगा यहाँ ये क्या लिखा है 20 लिखा है नहीं सर वहां पे जो आपने इधर क्लास इंटरवल हाँ जी तो फिर सर इन दोनों को प्लस करके 40 डिवाइडेड बाय 2 ये मैंने कैसे लिख दिया पता नहीं गलत लिखा हुआ है फिर ये गलत लिखा हुआ है बेटा पहले का लिखा हुआ है लास्ट ईयर पता नहीं कैसे करवा दिया मैंने 20 आएगा बेटा यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई यहाँ पे लिख देते हैं 20 यहाँ पे 50 60 30 40 50 एंड 60 ये आएंगे बेटा एक्स आई ओके हो जाएगा यस सर एट सम बेटा अभी हमने कल फिफ्थ सम किया था ना एफ मिसिंग था किया था ना मीन गिवन था yes. अब यहाँ पे सेम है मीन गिवन है पी मिसिंग है तो ये सम भी तुम खुद करोगे अपने आप ट्राई ओके हो जाएगा सर हो जाएगा ना यस सर यस सर नाइन्थ सम पे आ जाइए बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा एफ वन एफ टू वाला सम आया था इसमें भी आ गया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 फाइंड द मिसिंग ये सम मैं करवा देता हूँ क्योंकि इस टाइप का एग्जाम में सम आता है एग्जाम के अंदर इस टाइप का एफ वन एफ टू वाला आता है इसलिए मैं ये करवा देता हूँ तो ये मुझे उत्कर्ष करवाएगा उत्कर्ष हाँ देखो आया नहीं वो आज आया है सर हाँ देखो मैं कहेगा कल बोलेगा फिर मेरे से तो मेरे तो टर्न ही नहीं आई कभी अब बोल नहीं रहा है हर्ष इज देयर फोर्टी टू सिक्सटी टू एटी एटी टू हंड्रेड एंड 100 टू 120 हाँ जी उत्कर्ष यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम एक्स आई फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे उत्कर्ष सर 10 जीरो प्लस 20 अपॉन टू 10 सेकेंड वन 30 थर्ड वन 50 50, फिर 70, फिर 90 एंड लास्ट वन इज 110. एफ आई हमें गिवन है एफ आई इज गिवन 5, एफ वन 10, एफ टू 7 एंड 8. कौन सा मेथड अप्लाई करें हम उत्कर्ष यस मैंने क्या बोला था वैसे हम किसी मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बेटा बट ज्यादा बेटर है कि हम इसके अंदर जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो डायरेक्ट मेथड यूज करो कभी मिस्टेक नहीं होगी एफ आई एक्स आई यस कितना आएगा उत्कर्ष 15
सेकंड वन 30F1, थर्ड वन 500, 70F2, 9 7 are 63, 630, 11 8 are 88, 880. Yes, इनका सम क्या आएगा उत्कर्ष? इन सब का सम कर कितना आएगा सर? 40 9 360. क्या यहाँ कहाँ से पहुंचा बैठा है, कहाँ क्या कर रहा है तू? किसका इसका सम? 30 F1 F2. एक मिनट, 0 3 1. इसका सम तो ऑलरेडी हमें गिव, FI का सम तो हमें गिवन है वैसे, 15 10 5 15 15 7 22 8 30 30 plus F1 plus F2. इन सब का सम क्या आएगा? अपने पास कॉपी है ना, फटाफट करके बता मुझे. सर 2060 आएगा. यस सर. चलो हम करते हैं फिर. अब 0 0 0 0 5 5 5 3 8 8 3 11 1 carry 6 6 6 12 12 8. ये तो 2010 आ रहा है यार. सर एक बार आप ऐड कर लीजिए. 2060 यार. 60 आ रहा है. यस सर. यस सर. यस सर. प्लस 30F1 प्लस 70F. यस, फंसा नहीं जाल में ये मेरे, मुझे ये था फंसेगा ये, क्योंकि मैंने 30F1 और 70F2 को जान बूझ के बीच में लिखा था कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ये कंफ्यूज हो, बट हुआ नहीं. ये आ गया बेटा. अभी हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना? 50. तो सिग्मा एफ आई 50 के इक्वल. तो 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50. F1 प्लस F2 कितना आएगा सर? 20. 50 माइनस 30. F1 प्लस F2 वी गेट 20. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड बेटा, मीन हमें गिवन है. मीन कितना गिवन है? 62.8. Yes. Sigma FIXI upon sigma FI. 62.8 as like. अब यहाँ पे 2060 plus 30F1 plus 70F2 upon में क्या लिखूं? 50 भी लिख सकते हैं ना. अगर 30 plus F1 plus F2 लिखना है वो भी ठीक है, उससे भी बेटा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट ज्यादा बेटर है कि हम ये लिखें. अब एक काम कर सकते हैं बेटा, देखो ऊपर से 10 कॉमन लेके इस 0 से कट हो जाएगा, तो ले लो. जितना कैलकुलेशन, जितना सिंप्लीफाई हम कर लें इसको, उतना ज्यादा बेटर है. जितनी स्मॉलर वैल्यूज आ जाएं उतना ज्यादा इजी हो जाता है. 62.8, 0 से 0 कट हो गई. अब 3F1 प्लस 7F2 62.8 इंटू 5 हो जाएगा. यस सर. 314. ये सेम यहीं पे रख दिया अभी. अब 3F1 प्लस 7F2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 14 10 4 14 1 30 314 आ जाएगा. और 2106 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस. 3F1 प्लस 7F2 किसके इक्वल आ गया? 100. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन बेटा इसके नीचे रख लोगे? यस. इसको 1 से, इसको 3 से ना करवाऊं बेटा आगे? कर लोगे अपने आप एलिमिनेशन मेथड से? यस सर, हो जाएगा सर. कोई ऐसा स्टूडेंट जो ना कर पाए बेटा इसको आगे, बोलिए.
All of you can do it easily? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, the last sum, hame ifraji karwayenge. Theek hai, Babu? Yes, sir. Haan. Calculate the mean of the distribution given below using shortcut method. Class interval given hai 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, and 71 to 80. तो इफ्रा इसमें कुछ करेंगे बेटा हम? यस सर, कुछ कर सकते हैं? बताइए इफ्रा. सर इसमें हम ऐड कर सकते हैं. किसको ऐड कर सकते हैं? सर क्लास मार्क्स नहीं निकालेंगे इधर. मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्टिन्यूज है या 20 है? No, तो सबसे देखो ये क्लास इंटरवल है, एक ट्रू क्लास इंटरवल आ जाती है. मोस्टली तो क्या होता है, ट्रू क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल सेम होते हैं, बट जब ये कॉन्टिन्यूस ना हो, तो लास्ट ईयर नाइन्थ में भी था इस टाइप के सम्स. तो इन दोनों का गैप कितना है, 20 एंड 21 का? वन का हाफ किया. वन का हाफ किया सर हाफ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5. 11 में से 0.5 माइनस कर बेटा. यस सर. 10.5 एंड 20 में 0.5 ऐड कर. यस सर. ये आएगा बेटा, समझे? यस सर, मुझे थोड़ा बहुत याद था. फिर थोड़ा बहुत निकालना था ना, माइंड में नहीं रखना होता, दिमाग में नहीं रखना होता, उसको यूज करते हैं. ठीक है बाबू? Yes, sir. रुको, मैं ट्रू क्या लिखे है सर? हाँ जी, ट्रू क्लास इंटरवल. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. हाँ जी, अब हम फाइंड करेंगे एक्स आई. एक्स आई कितना आएगा दोनों को ऐड करके? 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2. That is 10 and 20, 30, 31. 31 upon 2, 15.5. Aage, kitna aayega? Inme 10 ka gap ho gaya na. Isko mat dekhna abhi. Isko bhool jao bas. Yes. Jo starting wala tha na, isko bhool jao. Isme dekho bas. 35.5, 45.5. 55.5, 65.5, 75.5. Now, अब हमारे पास बच्चे DI find करेंगे, क्योंकि हमने shortcut method use करना है. XI minus A. A किसको let करें? इसको 45.5 को, जो मैंने underline कर दिया. So this minus this. हाँ जी. तो यहाँ पर सर difference कितने का है? 10 का. यस सर. मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ना देखो तो ज्यादा बेटर है. मैंने तभी छुपाया था ये. अब हम इसका यूज करेंगे बेटा. इसमें देखोगे तो 9 का है, पर ये कॉन्टिन्यूज नहीं है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूज करने के लिए हमने क्या किया, 0.5 इसमें माइनस किया, 0.5 इसमें प्लस किया. समझे? यस सर. डी आई किसके इक्वल? एक्स आई माइनस आई. 15.5 माइनस 45.5 माइनस 30. आगे माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30. एफ आई बेटा हमें गिवन है, वो लिखेंगे 2, 6, 10, 12, 9, 7, 4. 12, 9, 7, 4. अब देखो मल्टीप्लाई करना इजी हो गया. एफ आई डी आई 32 आर 60 माइनस 60 माइनस 120 माइनस 100 0 90
140, 120 जीरो 6 to 8 माइनस का 280 जीरो 9 for 13 to 15 वन कैरी 3 F5 का सम करो बेटा कितना हुआ 268, 8 to 10, 10, 19, 19, 7, 26, 4, 30, 3 carry, 4, 5, 50. होगा ना हाय हाय कलंदर तेरे को टेंथ में किसने कर दिया हैं नहीं सर मैंने बोला तूने क्या बोला फिर से बोल शैल चुप चुप शैल क्या बोला माइनस 30 इनटू माइनस 30 इनटू इज इक्वल टू 60 अच्छा तो 30 प्लस माइनस 30 कितना होता है प्लस करके 900 माइनस 60 तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 33 का कितना होता है 6 होता है नहीं सर कितना होता है 9 तो चलो माइनस को भूल जा तो 30 इनटू 30 बता कितना आएगा शैल 30 इनटू 30 900 तो तू अभी 60 कैसे बोल रहा था इसको क्या हो गया तेरे को अच्छा समझ गया सर हो जाता है कभी कभी चलो कोई बात नहीं सर जी आपका स्टूडेंट ऐसे कर सकता है क्या हाँ तूने स्टार्टिंग में यही हरकतें की थी मैं शायद वो पुराना मुश्किल अंदर वापस आ गया सर जी मेरे पीछे क्यों रहते हो सर तूने स्टार्टिंग में किया ही ऐसे था सर अब अपडेट हो गया है ना सब कुछ अच्छा नया वर्जन आ गया है हाँ सर मुझे तेरे जैसी आवाज लगी इसलिए बोला बेटा मैंने Yes, yes, a plus sigma fi di upon fi. Upon sigma fi. Yes, sir. A की वैल्यू हमने 45.5 ली है, fi di 70 है, fi 50 है. ये कट कर दिया. 45.5 as like 7 को 5 से डिवाइड करो. 5 ones are 5, 20, 5 fours are. इनको ऐड करिए बेटा. क्या आ गया हमारे पास 46.9 इज द आंसर ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है ठीक है यस सर अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा दैट इज बेस्ड ऑन मीन मोड सॉरी मीडियन एंड क्वार्टाइल चलो